हेलो वेलकम टू स्वागत है सभी का स्टडी में दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, 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 के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था ठीक है तो चमेली देवी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध हैं तो इस राजकुमारी का संघर्ष जो है किस राजवंशी नरेश से हुआ था तो ये रहे आपके ऑप्शंस पहला सोमवंशी भानुदेव दूसरा काकतीय नरेश प्रताप रुद्रदेव तीसरा कलचुरी नरेश पृथ्वी देव प्रथम और चौथा काकतीय नरेश अन्नम देव तो राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किसके साथ हुआ था दोस्तों काकतीय नरेश अन्नम देव के साथ हुआ था छिंदक वंश की ये ये जो है दोस्तों राजकुमारी थी छिंदक वंश की स्थापना किसने की थी नृपिति भूषण ने की थी और इसका अंतिम जो शासक था छिंदक वंश का उसका नाम था हरीश्चंद्र ठीक है तो हरीश चंद्र जो था दोस्तों इसकी पुत्री थी हरीश्चंद्र को अन्नमदेव ने पराजित कर दिया था और उसको समाप्त कर दिया था तो इसकी पुत्री थी चमेली देवी जिसने अन्नम देव से संघर्ष किया था, था दोस्तों ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने सत्रह भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था तो कब किया था ये रहे ऑप्शंस पहला 15 जनवरी सन अठारह को दूसरा 16 जनवरी सन अठारह को तीसरा 17 जनवरी सन अठारह को और चौथा है दोस्तों 18 जनवरी सन अठारह को तो कब किया था दोस्तों ठाकुर हनुमान सिंह ने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ विद्रोह 18 जनवरी सन अठारह के दिन जो है इन्होंने सत्रह भारतीय सिपाहियों के साथ विद्रोह कर दिया था दोस्तों इन्होंने सिडविल की हत्या कर दी थी ठीक है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं मराठा काल में परगनों के प्रमुख क्या कहलाते थे तो ये ऑप्शन पहला बरार पांडे दूसरा पोतदार तीसरा कामाविंसदार और चौथा बडकर तो क्या कहलाते थे दोस्तों मराठा काल में परगनों के प्रमुख कामा विंशधार कहलाते थे, थे दोस्तों देखिए परगना पद्धति जो था इसके सूत्रधार कौन थे बिंबा भोसले जो हैं इनके सूत्रधार थे और परगना पद्धति का जनक अगर कहोगे कि किसने इसको बनाया था किसने क्रिएट किया था किसके दिमाग की रचना थी कि मतलब मतलब किसके दिमाग कह सकते स्कीम थी कि इस तरह से ये होगा तो पद्धति का जनक जो है कौन थे बिठल राव दिनकर थे ठीक है सूत्रधार थे बिंबाजी भोसले और इसके जनक कहते हैं बिठल राव दिनकर को परगना पद्धति क्या थी दोस्तों देखिए जो भूमि होती थी मराठा काल में उसको दो भागों में बांट देते थे एक भूमि जो राजा के क्षेत्र में रहती थी जिसमें मतलब राजा का राजा की जो समझ जाइए एक तौर से सीधी बातों में कहा जाए तो जो राजा की जमीन थी ठीक है उसको खालसा क्षेत्र कहते थे और एक दूसरी भूमि होती थी उसको जमींदारी क्षेत्र कहते थे खालसा क्षेत्र मतलब जो राजा की अपनी भूमि होती थी निजी भूमि जिसमें उसका महल रहता था ठीक है जिसमें वो निवास करता था वो सब क्षेत्र कर मुक्त होता था और एक क्षेत्र होता था जिसको जमींदारी क्षेत्र कहते हैं दोस्तों यहाँ जैसे कृषि कर रहे हो कोई व्यवसाय कर रहे हो ये जितना क्षेत्र था उसको जमींदारी क्षेत्र कहते थे यहाँ से कर जो है वसूला जाता था और इस जमीन में जो भी कर वसूलता था जो देखता था उसको परगना प्रमुख कहते थे जिसे कामा कहा जाता था ठीक है परगना का प्रमुख कामाविंशदार कहा जाता था मराठा काल में जो भूमि थी दोस्तों उसको 27 परगनों में मतलब बांट दिया गया था ठीक है ये बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ तो कब हुआ ये रहे ऑप्शंस पहला 1916 सो दूसरा 1918 तीसरा 1929 और चौथा तो गोपाल कृष्ण गोखले भी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ आए थे इनका आगमन सन 1918 में हुआ था महात्मा गांधी के पहले जो है गोपाल कृष्ण गोखले ही आ चुके थे ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा राज की पुनः स्थापना का कालखंड कौन सा है ठीक है तो ये रहे आपके ऑप्शन पहला 1845 से 1855, दूसरा 1830 से अठारह तीसरा 1825 से लेके 1835 और चौथा है 1820 से लेके 1830 तो छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनः स्थापना का कालखंड कौन सा माना जाता है दोस्तों सन 1830 से लेके 1854 का जो काल है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में पुनः जो है कह सकते हैं प्रत्यक्ष भोसला शासन का आरंभ हुआ था देखिए हुआ क्या था जब सूबा शासन चल रही थी छत्तीसगढ़ में तो अंतिम जो युद्ध हुआ था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो देश में हुआ था उसका पीरियड क्या था 1817 सौ से 1818 के बीच में यही तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था ठीक है इसके बाद क्या हुआ था मराठे हार गए थे और अंग्रेज जो है इसमें जीत गए थे तो नागपुर या सीताबड़ी की संधि बोलते हैं दोस्तों वो की गई थी ठीक है और छत्तीसगढ़ ना नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था तो जब ये मराठा हारे ना नागपुर की संधि हुई तो छत्तीसगढ़ भी स्वयं जो है ऑटोमेटिक अंग्रेजी सत्ता के अधीन आ गया था ठीक है अब संधि में क्या हुआ था यहाँ पे जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था और यहाँ अप्पा साहब था ठीक है तो अप्पा साहब और हेस्टिंग के बीच में संधि हुई थी तो संधि में क्या हुआ था कि जब तक जो है यहाँ पे रघुजी तृतीय जो था वो उत्तराधिकारी थे तो जब तक ये बड़े नहीं होते ना तब तक जो है अंग्रेज जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन करेंगे मतलब कि ब्रिटिश नियंत्रित मराठा शासन छत्तीसगढ़ में फिर चालू हो गया था कब से कब रहा अठारह से लेके अठारह तक रहा ठीक है संधि के अनुसार उसके बाद जब 1830 का समय आया ना और रघुजी तृतीय जब बड़ा हुआ ठीक है ना तो उसके बाद वापस जो है पुनः प्रत्यक्ष भोसला शासन स्थापित हुआ अंग्रेजों ने जो है रघुजी तृतीय को शासन सौंप दिया था तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों पुनः प्रत्यक्ष भोसला शासन शासन व्यवस्था या फिर सक, या कह सकते हैं कि आपका छत्तीसगढ़ <coughs> में मराठा मराठा राज की पुनः स्थापना कब हुई तो कब हुई 1830 से अठारह यह शासनकाल रहा ठीक है 1830 से अठारह किसका शासनकाल रहा रघुजी तृतीय का शासनकाल रहा ठीक है चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए खूब चंद बघेल ने किस संस्था की कि स्थापना की थी ठीक है तो ये रहे आपके ऑप्शन पहला है आपका छत्तीसगढ़ धातु संघ दूसरा है नौ प्रभात छत्तीसगढ़ तीसरा तरुण छत्तीसगढ़ और चौथा है छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति तो किसकी स्थापना की थी दोस्तों छत्तीसगढ़ भातु संघ की स्थापना की थी, स्थापना की थी। सन उन्नीस में जो है खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ संघ की स्थापना की थी दोस्तों इसके पहले सौ 1956 में बैरिस्टर छेदीलाल और खूबचंद बघेल ये दोनों ने मिलकर जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ महासभा की भी स्थापना की थी तो काफी महत्वपूर्ण है खूबचंद बघेल का ये दोनों संस्थाएं प्रश्न पूछता ही रहता है आपको ध्यान में रहना है चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं ठीक है तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों हालांकि प्रश्न काफी साधारण सा लग रहा है आपको लेकिन है काफी महत्वपूर्ण तो कितने हैं दोस्तों ये रहे, रहे आपके ऑप्शन पहला है आपका अठारह जिले दूसरा है आपका बाईस जिले तीसरा है आपका सत्ताईस जिले और चौथा है आपका तीस जिले तो कितने जिले हैं दोस्तों वर्तमान में कुल 27 जिले हैं वर्तमान में ठीक है देखिए जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो उस वक्त 16 जिले थे इसके बाद 2007 में जो है दो नए जिले और बनाए गए बस्तर और दंतेवाड़ा ठीक है माफ़ कीजिएगा नारायणपुर और बीजापुर ठीक है नारायणपुर किससे बनाया गया बस्तर से और बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग करके 2007 में ये दो नए जिले बनाए गए तो कुल संख्या 18 हो गई थी 2007 तक इसके बाद 2012 में नौ और नए जिले बनाए गए इस प्रकार सत्ताईस जिले जो है वर्तमान में बने यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों की अभी हाल ही, ही में सीएम ने जो है पंद्रह अगस्त को आपका पेंड्रा मरवाही को ठीक है पेंड्रा मरवाही को जो है नया जिला बनाने की घोषणा की थी ठीक है तो घोषणा की है तो मतलब तो ये अस्तित्व में आ जाता है तो कुल 28 जिले छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न निम में से कौन सा विदेशी यात्री सिरपुर आया था ठीक है तो ये रहे ऑप्शन पहला है आपका फाहयान दूसरा है आपका मैगसिन तीसरा आपका हेन सांग और चौथा है इत सिंह तो इनमें से कौन सा विदेशी यात्री था जो दोस्तों जो बौद्ध धर्म को देखने परखने पर समझने के लिए जो है सिरपुर आया था तो कौन था दोस्तों हेन सांग था ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था तो ये रहे ऑप्शन पहला उत्तर कौशल दूसरा दंडकार्याण तीसरा छतरपुर और चौथा दक्षिण कौशल तो देखिए प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि सबसे पुराना जो नाम है छत्तीसगढ़ का रामायण काल के समय से वो कौन सा था दक्षिण कौशल नाम था दोस्तों ठीक है ये रामायण युग या कल्चरी युग में भी जो है ये दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था ठीक है दक्षिण कौशल के बाद फिर इसको कौशल कहा गया इसके बाद महाकौशल आया उसके बाद चेदीसगढ़ कहा गया और चेदीसगढ़ का ही जो है विकृत रूप होते होते ये छत्तीसगढ़ बन गया ठीक है चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं वीर नारायण सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था तो ये ऑप्शंस पहला सोनाखान दूसरा पिछौड़ा तीसरा रायपुर और चौथा बिलासपुर तो इनमें से किस स्थान पर वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों में 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 इनका जन्म हुआ था वर्तमान जो है दोस्तों में है अगला है दोस्तों दोस्तों स्थित अगला प्रश्न किस स्वतंत्रता सेनानी ने राय साहब की उपाधि प्राप्त की थी ठीक है तो राय साहब की उपाधि जो है दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्राप्त की थी ये रहे ऑप्शंस पहला पंडित वामन राव लाखे दूसरा माधवराव सैपरे तीसरा डॉक्टर खूब चंद बघेल और चौथा थे ठाकुर प्यारे लाल तो इनमें से किन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों जिन्होंने राय साहब की उपाधि प्राप्त की थी तो पंडित वामन राव लाखे जो थे दोस्तों इन्होंने जो है राय साहब की उपाधि प्राप्त की थी अंग्रेजों के द्वारा देखिए अंग्रेज जो है राय साहब वगैरह की उपाधि खान साहब की उपाधि ये सब दिया करते थे तो जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ ना तो उस समय जो है छत्तीसगढ़ में मैंने माफ कीजिएगा जब असहयोग आंदोलन का चरण चल रहा था ठीक है ना असहयोग आंदोलन जब हुआ था उस समय जो है छत्तीसगढ़ में पदवियों का त्याग किया गया तो इसी दौरान जो है राय साहब की उपाधि जो अंग्रेजी द्वारा दी गई थी कई सारे लोगों ने त्याग किया था जिसमें वामन राव लाखे ने भी जो है अपनी उपाधि त्याग कर दी थी और इसके बाद जो है जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी ठीक है और देखिये किन किन लोगों ने राय साहब की उपाधि त्यागी थी तो वामनराव लाखे थे बैरिस्टर कल्याण जी थे कल्याण जी मुरारजी थेकर थे, थे, थे सेठ गोपी किशन थे ये सब लोगों को जो है ना ये सारी उपाधियां मिली थी, थी इन्होंने सब ये उपाधियां त्याग दी थी ठीक है चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था तो ये रहे ऑप्शंस पहला जगतपाल दूसरा रामपाल तीसरा है ललित पाल और चौथा है शिवपाल तो किसने करवाया था दोस्तों राजू लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कल्चुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के सामंत जगत पाल ने करवाया था वंश के स्थापत्य कला का नमूना है दोस्तों राजू लोचन मंदिर जो है गुप्त शैली में निर्मित है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये रहे आपके ऑप्शंस पहला रानी वास्टा दूसरा रानी राजवी तीसरा महाराजा रुद्रदेव और चौथा इनमें से कोई नहीं तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों रानी वास्टा ने जो है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था ये जो मंदिर है दोस्तों पांडु वंश की स्थापत्य कला का उदाहरण है दोस्तों ठीक है पांडु वंश का है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और ये जो रानी वास्ता थी इन्होंने किसके मतलब याद में इसको करवाया था तो अपने पति हर्षगुप्त की याद में जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था सीपुर के लक्ष्मण मंदिर का दोस्तों ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस कल्चुरी शासक के अभिलेखों में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल लिखा मिलता है तो ये रहे आपके ऑप्शंस पहला है दोस्तों कमलराज दूसरा है रत्न देव तीसरे हैं दोस्तों पृथ्वी देव प्रथम और चौथे हैं जाजल्य देव प्रथम तो इनमें से कौन सा कल्चरी शासक था दोस्तों जिसके अभिलेखों में जो है ये चीज पता चलती है कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है दक्षिण कौशल भी था ठीक है तो किसके अभिलेखों से प्राप्त चलता है जाजल्य देव प्रथम के जो है अभिलेखों से प्राप्त चलता है दोस्तों ठीक है ना और इसका जो शासन काल रहा है ना एक से ग्यारह ईस्वी तक रहा है सर्वाधिक प्रतापी शासक था ये कलचुरी वंशिका ठीक है दोस्तों सर्वाधिक प्रतापी ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है और जाजिल प्रथम ने इन्हें क्या किया था पाली के शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था ये सारी चीजें भी हम आपको बताते चल रहे हैं चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं खैरागढ़ के चारण कवि दलपत राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख अपने साहित्य में कब किया तो ये रहे आपके ऑप्शंस पहला चौदह सौ चौरानवे दूसरा पंद्रह सौ चौरानवे तीसरा तेरह सौ चौरानवे और चौथा है चौदह सौ अंठानवे तो छत्तीसगढ़ के चारण कवि थे दोस्तों दलपत राव साव इसने जो है अपने साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख कब किया था चौदह सौ चौरानवे में किया था चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं गोपाल मिश्र की किस कृति में छत्तीसगढ़ी शब्द का उल्लेख मिलता है तो ये रहे ऑप्शन पहला खूब तमाशा दूसरा चिंतामणि तीसरा सुधामा चरित्र और चौथा रतनपुर का इतिहास तो इनमें से गोपाल मिश्र ने अपनी कौन सी साहित्य में जो है छत्तीसगढ़ी शब्द का उल्लेख किया था तो कौन साहित्य में क्या था खूब तमाशा नामक पुस्तक में किया था दोस्तों ठीक है चलिए अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं वर्तमान छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद में शामिल किस मंत्री ने सन उन्नीस बनने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था ठीक है तो करंट से जोड़कर भी कुछ जो है इतिहास के प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों जो आपको हो सकता है परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए तो ये रहे आपके ऑप्शंस पहला रविंद्र चौबे दूसरा राम पुकार सिंह तीसरे टी एस सिंहदेव और चौथे हैं भूपेश बघेल तो ऐसे कौन से वर्तमान छत्तीसगढ़ ऐसे कौन से मंत्री हैं दोस्तों जो वर्तमान छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद में शामिल हैं और उन्नीस में जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ बनने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था तो कौन है दोस्तों रविन्द्र चौबे हैं ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह किया गया था ठीक है तो छत्तीसगढ़ का जंगल सत्याग्रह काफी प्रसिद्ध है दोस्तों तो किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये किया गया था तो ये आपके ऑप्शंस पहला होम रूल आंदोलन दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा असहयोग आंदोलन तो देश में और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कौन सा आंदोलन चल रहा था जब छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कहाँ कहाँ किया गया था गट्टा सिल्ली में रुद्रीनवा गाँव में तमोल जंगल सत्याग्रह काफी प्रसिद्ध हुआ थे सब जंगल सत्याग्रह ठीक है थीके? तो सन 1930 के आसपास जो है दोस्तों ये जंगल सत्याग्रह हुए थे और उस वक्त देश में कौन सा आंदोलन चल रहा था सब इनय अविज्ञा आंदोलन चल रहा था ठीक है छत्तीसगढ़ में भी जो ये साथ साथ में चल रहा था ठीक है और इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही थी चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं तमोल जंगल सत्याग्रह के द्वारा दौरान किस बालिका ने अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ मारा था ठीक है तो किसने मारा था भाई ये रहे ऑप्शन पहला बालिका दयावती दूसरा बालिका प्रभावती तीसरा चमेली बाई और चौथा भानुमती तो इनमें से कौन सी बालिका थी दोस्तों जो तमोर जंगल सत्याग्रह महासमुंद वगैरह के तरफ में जब हो रहा था तो किस बालिका ने अंग्रेज अधिकारी को एक टोक रख के जड़ दिया था तो कौन थी दोस्तों बालिका दयावती जी थी ठीक है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं बम योजना छत्तीसगढ़ के किस क्रांतिकारी के दिमाग की उपज थी तो ये ऑप्शन पहला न, राम नारायण मिश्र हरसुल दूसरे वीर नारायण सिंह तीसरा बिलख नारायण सिंह और चौथे रणवीर सिंह शास्त्री ठीक है तो इनमें से कौन से क्रांतिकारी थे जिसकी पत्र बम योजना थी ठीक है देखिए वो क्या करते थे जो थे उन्होंने ये दिमाग लगाया ना कि जो ऐसे लोग हैं जो मतलब अंग्रेज़ों का साथ देते हैं तो उनको मैं पत्र बम भेज देता हूँ जैसे ही उनके घर में पत्र बम जाएगा और पत्र को खोलेंगे पढ़ने के लिए तो ब्लास्ट हो जाएगा ब्लास्ट मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बम नहीं था हल्का फुल्का सा रासायनिक पदार्थ था जो फट जाता था और चेहरे वगैरह जो है थोड़े जल जाते थे काले पड़ जाते थे तो जब वो बाहर जाए वो व्यक्ति तो लोग पहचान जाए कि हाँ भाई मतलब जनता जान जाए कि हाँ भाई ये अंग्रेजों का पिट्ठुल है ठीक है ना तो इसलिए जो है ये जो क्रांतिकारी थे इनका नाम क्या था राम नारायण मिश्र हर्षुल थे इन्होंने जो है ये योजना बनाई थी बम योजना चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई सम्मेलन में भाग लेने गए छत्तीसगढ़ के नेताओं को किस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया तो ये रही ऑप्शन पहला मलकानपुर दूसरा सूरत तीसरा पुणे चौथा अकोला तो इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन पे जो है दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन का सम्मेलन बंबई में हो रहा था और यहाँ पे प्लान किया जा रहा था कि भाई अब भारत छोड़ो आंदोलन बनाना है तो छत्तीसगढ़ से कई सारे नेता गए थे वहां सम्मेलन में भाग लेने तो जब वापस लौट रहे थे ना तो कौन से स्टेशन पे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था मलकानपुर रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार कर लिया था ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर के गांधी चौक में सभा को किसने संबोधित किया था तो ये रहे ऑप्शन दोस्तों पहले रविशंकर शुक्ल दूसरे द्वारिका प्रसाद मिश्र तीसरे हैं ठाकुर छेदीलाल जी और चौथे त्रेता नाथ तिवारी जी तो इनमें से किसने जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ वो भी रायपुर के गांधी चौक में सभा को किसने संबोधित किया था त्रेता नाथ तिवारी जी ने किया था चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं काफी महत्वपूर्ण है रायपुर में डायनामाइट कांड कब हुआ था ठीक है तो कब हुआ था भाई डायनामाइट कांड डायनामाइट कांड से संबंधित व्यक्ति कौन थे ये जान लीजिए कौन थे बिलक नारायण थे ठीक है तो बिलक नारायण जो है डायनामाइट कांड से संबंधित थे क्या हुआ था कि जब ढेर सारे नेताओं को क्रांतिकारियों को जब ना रायपुर जेल में बंद कर दिया गया ना तो ये लोगों ने प्लान बनाया कि उनको कैसे निकाला जाए तो इन्होंने क्या किया बिलक नारायण ने दिमाग लगाया कि हम जो है रायपुर की जेल को ही उड़ा देंगे उसकी एक दीवार को ही पूरा बम से उड़ा देंगे डायनामाइट से उड़ा देंगे सबको मुक्त करा लेंगे हालांकि ये चीज़ जो है फेल हो गई थी है ना वो कुछ असर कर नहीं पाया था क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई जेल आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत होती है ठीक है तो चलिए किस वर्ष ये कांड हुआ था तो ये रहे ऑप्शन पहला सन उन्नीस दूसरा उन्नीस तीसरा उन्नीस और चौथा उन्नीस तो इनमें से जो है कब हुआ था सन 1942 के दौरान जो है रायपुर में डाना कांड हुआ था दोस्तों चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न देखते हैं सन 1936 के प्रांतीय चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में किन्हें गवर्नर बनाया गया था ठीक है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 36 में 37 में चुनाव भी हुए थे ठीक है तो जब चुनाव हुए ना तो अलग अलग पद सब मंत्री को मिला था तो एक व्यक्ति को गवर्नर भी बनाया गया था ठीक है तो ये रहे ऑप्शन कौन थे देखते हैं पहला ई राघवेंद्र राव दूसरा रविशंकर शुक्ल तीसरा घनश्याम सिंह गुप्त और चौथे थे द्वारिका प्रसाद मिश्र तो इनमें से किसको जो है गवर्नर या राज्यपाल बनाया गया था अः कौन था कौन था ई राघवेंद्र राव थे दोस्तों ठीक है तो ई राघवेंद्र राव को जो है गवर्नर का पद दिया गया था गवर्नर बनाया गया था चुनाव होने के उपरांत फिर गवर्नर तो बनाना पड़ेगा ना एक ठोक राज्य में उस क्षेत्र में तो ई राघवेंद्र राव को बनाया गया था दोस्तों तो ये था दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास के महत्वपूर्ण जो है एम या प्रश्न उत्तर कह लीजिए या एम कह लीजिए जो कि आपके परीक्षा में जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही जितना भी डिटेल इससे संबंधित हो रहा है हम आपको बता रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे तो आशा है दोस्तों आपके वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए बने रहिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट